हर साल 20 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक कोलकाता के आइकॉनिक पार्क स्ट्रीट को सजाया जाता है लाइट से, फेस्टिविटीज से। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर किस हिसाब से कोलकाता के पार्क स्ट्रीट को सजाया गया है अगर आपको दिखाएं, ये पूरा इलाका जो है ये पार्क स्ट्रीट है, मदर टेरेसा सरनी भी कहा जाता है। और यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी लाइट्स है जो शायद हर साल दुर्गा पूजा और क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे देखा जाता है, इसको सजाया जाता है। करीबन जो जिस स्ट्रेच पे हम लोग खड़े हैं, करीबन 400 से 350 मीटर का एक डिस्टेंस है जिसको लाइट से कम्प्लीटली सजा के रखा जाता है। कुछ ही देर पहले ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर इस क्रिसमस पार्टी को, इस क्रिसमस कार्निवल को इनॉग्रेट कर दिया। उन्होंने सभी के लिए वार्ता दिया है कि 31 तक सब खुश रहें, यूनिफाइड रहें। और यहाँ पे एक क्रिसमस ट्री भी लगाया गया है, हर साल लगाया जाता है, जिसका लेंथ शायद करीबन 20 फुट होगा। और यहाँ पे लोग आते हैं, सेल्फीज खींचते हैं। कोलकाता के इस आइकॉनिक से पार्क स्ट्रीट को आप शायद न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जहाँ पे हर साल 24th हो या फिर 31st हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। ये वॉकिंग स्ट्रीट बन जाता है, गाड़ी नहीं चलती, लेकिन लोग आते हैं, जश्न मनाते हैं और सेफली अपने साथ, अपने परिवार के साथ फेस्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। कैमरा पर्सन प्रसून के साथ चोरियाग्नि रॉय, आज तक कोलकाता।